तो Realme GT Neo 2 के लिए प्रोजेक्ट इलिगजर रोम का अपडेट कुछ दिन पहले रिलीज हो गया था, तो आज हम इसी का एक रिव्यू करेंगे और देखेंगे आपको इसमें क्या कुछ मिल जाता है। तो इसमें आपको मोस्टली गूगल ऐप्स ही मिलते हैं, टेस्टिंग ऐप्स को मैंने इंस्टॉल किया जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है जिसे मैंने कस्टमाइज़ किया है और इसमें डॉल्बी एटमॉस को भी ऐड कर दिया गया है। बाकी सभी टॉगल्स आपको मिल जाते हैं ज़रूरी, और आपको यहाँ पर एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहीं से डायरेक्टली बूट लोडर या रिकवरी में बूट कर सकते हैं। अब बात करें सेटिंग्स की, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस सभी कुछ अच्छी तरह से वर्किंग है बिना किसी प्रॉब्लम के। डिस्प्ले सेटिंग्स में ब्राइटनेस, अडाप्टिव ब्राइटनेस और एक्स्ट्रा डिम अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। लॉक स्क्रीन में आपको डुअल लाइन क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और लास्ट में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि अच्छी तरह से वर्क भी कर रही है। और बाकी सभी डिस्प्ले सेटिंग्स आपको सेम ही मिल जाती हैं पिछली बार की तरह ही। मिनिमम और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट भी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। और अब बात करें कस्टमाइजेशन की, तो वो आपको इसेंस में मिल जाता है। थीम्स में पिच ब्लैक थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इस रोम में। और बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है, वो आपको कई बार पहले भी दिखा चुका हूँ। उसके बाद लॉक स्क्रीन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आइकन और एनिमेशन को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप जिन्हें चाहें उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, आपको लॉक स्क्रीन पर चार्जिंग इन्फो को हाइड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्टेटस बार में आप स्टेटस बार के सभी आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप बैटरी आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्विक सेटिंग्स में क्विक सेटिंग पैनल को भी कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको चार तरह के पैनल ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, आपको एक एक करके दिखा भी देते हैं, आप बताइएगा आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और किस ब्रांड का कंट्रोल सेंटर आपको देखने में सबसे अच्छा लगता है, रियलमी यू आई, एम आई यू आई या वन यू आई का? आप यहां से ब्राइटनेस स्लाइडर की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जेस्चर्स में आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, क्विकली ओपन कैमरा और 100 मोड का ऑप्शन मिल जाता है। लास्ट में आपको मिसलिनियस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन मिल जाता है रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में, और इसमें आपको हायर अपीयरेंस इन गेम्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। गूगल फोटोज अनलिमिटेड स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, हालांकि यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं दी गई है उसे इनेबल करने के लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहेगा। तो ये तो रही सभी कस्टमाइजेशंस की बात, अब बात करें कुछ और बेसिक सेटिंग्स की। तो वॉलपेपर में आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल मिल जाता है, आप देख सकते हैं, यहाँ से आप थीम्ड आइकन को इनेबल कर सकते हैं जिसे आपको बाद में इनेबल करके दिखा देंगे। बैटरी बैकअप की बात करें तो इस रोम में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है बैटरी यूजेज, आप देख सकते हैं मैंने क्रोम को लगभग 1 घंटे यूज़ किया, यूट्यूब वीडियो प्ले किया 90% वॉल्यूम पर, फिर भी आप देख सकते हैं बैटरी ड्रेन काफ़ी कम हुआ है। और ओवरनाइट आइडल ड्रेन की बात करें तो वो बाकी कस्टम रोम्स की तरह ही सेम देखने को मिला है, लगभग 5% का। और अब बात करें चार्जिंग टाइम की, तो आप देख सकते हैं 16% पर मैंने चार्जिंग को लगाया था 7:09 पर, और इसने 100% कंप्लीट होने में लगभग 48 मिनट लगा दिए जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। 90% तक तो बैटरी ठीक से चार्ज हुई, उसके बाद काफ़ी स्लो हो गई थी चार्जिंग, तो ये आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस रोम में। कुछ और सेटिंग्स की बात करें तो नोटिफिकेशंस में आपको सेम ऑप्शन मिल जाते हैं बाकी रोम्स की तरह ही, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में आपका सभी कुछ अच्छी तरह से वर्किंग है बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐप्स की लेआउट भी सेम ही रहेगी हर कस्टम रोम की तरह ही, डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपको सभी गूगल के ऐप्स ही मिल जाते हैं। पासवर्ड एंड अकाउंट्स में आपको सभी लॉगिन अकाउंट्स शो होंगे। उसके बाद सिक्योरिटी में, मोर सिक्योरिटी में आपका डिवाइस देख सकते हैं इनक्रिप्टेड रहेगा, और इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्क्रीन ऑफ होने पर भी अच्छी तरह से वर्क करता है, और फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट तरह से वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। एक्सेसिबिलिटीज़ में आपको वही सभी बेसिक ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको हर कस्टम रोम में मिल जाएंगे। लास्ट में आपको सिस्टम सेटिंग्स मिल जाती हैं, जहां पर आपको लैंग्वेज एंड इनपुट और जेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप स्वाइप टू स्क्रीनशॉट को इनेबल कर सकते हैं।
सिस्टम नेविगेशंस में आपको बैक जेस्चर पर हैप्टिक्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि वर्क भी कर रहा है अच्छी तरह से। हालांकि मैं कभी भी किसी भी फ़ोन में हैप्टिक्स का यूज नहीं करता हूँ, उन्हें हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। उसके बाद आपको वन प्लस एक्स्ट्राज का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ सभी सेटिंग्स। और लास्ट में आपको एलिक्जर अपडेटर मिल जाता है, जहाँ फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं है, तो जब अपडेट आएगी तब चेक करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। फ़िलहाल मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस रोम में OTA सपोर्टेड है या नहीं। तो ये तो हुई सभी सेटिंग्स की बात, और बात करें होम सेटिंग्स की तो आपको पिक्चर लॉन्चर की सेटिंग्स ही मिल जाती हैं। विजिट्स में आपको बैटरी विजिट का भी ऑप्शन मिल जाता है, हालांकि ये होम स्क्रीन पर अप्लाई ही नहीं होता है, लोडिंग ही शो करता रहता है। क्लॉक विजिट में आपको वही बेसिक क्लॉक्स मिल जाती हैं। और वॉलपेपर एंड स्टाइल से आप थीम्ड आइकन को इनेबल कर सकते हैं, आप यहाँ से ऐप ग्रिड साइज को भी चेंज कर सकते हैं। और थीम्ड आइकन सिर्फ होम स्क्रीन पर ही अप्लाई होते हैं, ऐप ड्रॉअर में अप्लाई नहीं होते हैं, जो कि कुछ कस्टम रोम में सपोर्ट करते हैं ऐप ड्रॉअर को भी। प्ले स्टोर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप्स का यूज़ कर पाएंगे आप बिना किसी प्रॉब्लम के। कैमरा आपको इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा गो मिल जाता है, तो आप जी कैम इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंटूटू स्कोर आपको 7,15,000 के करीब मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और गीक बेंच स्कोर भी आप देख सकते हैं, सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट मैंने हर बार की तरह रन किया, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ा मिल जाता है आपको। और अब बात करें रोम के ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो आप देख सकते हैं ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग काफ़ी स्मूथ मिल जाती है आपको, और कोई भी लैग या जिटर देखने को नहीं मिला है इस रोम में मुझे, ना ही कोई ऐप क्रैशिंग का इशू देखने को मिला है। और मल्टीटास्किंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, तो स्मूथनेस के मामले में ये रोम काफ़ी तगड़ी मिल जाती है आपको। और इस रोम में डबल टैप टू स्लीप का तो कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाता है। फिंगरप्रिंट आइकन को आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मिल जाता है, प्रोजेक्ट इलीजर का डिफ़ॉल्ट आइकन। और पिक्चर लॉन्चर है तो आपको इसमें गूगल डिस्कवर का भी ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप टू लेफ्ट करने पर। और अब बात करें रोम की डिटेल्स की, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ये एक ऑफिशियल रोम है जो कि लेटेस्ट नवंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ आती है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें ड्रैगन कर्नल 3.5 को भी प्लेस कर सकते हैं, और बेटर बैटरी बैकअप के लिए। तो इस रोम को आप एज ए डेली ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।